मुकदसात पर भरोसा नहीं रखती मैं इलाही रिहाई पर एतकाद रखती हूँ मैंने एक मुत्तकी मुसलमान घराने में जन्म लिया और खुदा के पास मेरे लिए मंसूबे थे शानदार मंसूबे मैं मौत के दहाने पर थी मैं खुदकुशी करने का सोच रही थी यसु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया और उसने मुझे नई जिंदगी अता की अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ करे तो खुदा आपको नई जिंदगी बख्शेगा येशू एक हकीकत है वो जिंदगी को तब्दील करता है वो तकदीर को बदल देता है वो गम को तब्दील करता है और उसकी कौन सारे जहां को बदल सकती है अजीज दोस्तों परजोर सलाम आपको इल्म है कि मैं आज़ादी की बड़ी मुतवाली हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे रिहा किया है और मैं हर जी नफ्स की जिंदगी में आज़ादी देखना चाहती हूँ क्योंकि आज़ादी के बगैर आप शादमानी नहीं हासिल कर सकते अपनी जिंदगी में आज़ादी के बिना आप हंसी नहीं पा सकते अगर आप आजाद नहीं तो आप इस भर तरक्की नहीं कर सकते बस आजादी का मेरी जिंदगी में बड़ा मकाम है आपको पता है कि मेरी किताब भी है मैंने आजादी का ख्वाब देखा मैंने अपनी सारी जिंदगी आजादी का ख्वाब देखा लेकिन अब मैं आजादी के मजीद ख्वाब नहीं देखती क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे आजाद किया है अब मैं कॉन्फ्रेंस में हूँ और बड़ा शानदार दिन गुजरता है बहुत से लोगों ने आजादी पाई यसु के नाम में रिहाई पाई उन्होंने फ़क्त येसु पर भरोसा रखा और खुदा ने उनकी जिंदगी को बदलना और तब्दील करना शुरू कर दिया और आज मेरे पास आपके लिए खास तोहफा है क्योंकि मेरे बहुत से अच्छे दोस्त हैं मैं फ़क्त उनसे मिली और हम फौरन में बहने बन गई और मेरे पास शानदार कहानियाँ हैं आपको बताने के लिए आज़ादी की कहानियां ब्राह मेहरबानी मेरे साथ रहिएगा ताकि आप बरकत पाए और येसु आपको भी आज़ाद करेगा सबसे पहले मैं इज्जत माप खातून रुकने कांग्रेस मिशेल बैकमैन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो आज हमारे साथ हैं शुक्रिया ये दुनिया का आसान तरीन काम है यहाँ होना बरकत की बात है जी हाँ और मैंने आपकी तकरीर या मुनाती सुनी है और आपने मुझे इतना मुतासिर किया जो बयान से बाहर है बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल मैंने सिर्फ उतना ही कहा जो खुदा के कलाम में पहले ही लिखा था बस इसे करना बहुत ही आसान था आ, हमें मिशल के बारे में बतौर एक खातून एक बीवी और रुकने कांग्रेस और खुदा की बेटी होते हुए कुछ बताएं। आपने अभी मुझसे मेरी हालात जिंदगी के बारे में पूछा <laughs> <laughs> लिहाजा मैं पिछले छत्तीस साल से शादीशुदा हूं और अमेरिका की कांग्रेस बने मुझे आठ साल हो गए लेकिन सबसे अहम बात जो लोगों को मेरे बारे में पता होनी चाहिए वो ये कि मैं 16 साल की उम्र में यह ईमान लाई मैं इतनी बाबरकत थी कि मैं ऐसे खानदान में परवान चढ़ी जहां मेरे माँ बाप मुझे हर इतवार चर्च ले जाया करते थे लेकिन मसला ये था कि मसबह से दिए जाने वाला पैगाम मेरी समझ से बाहर था और मेरा ख्याल था कि खास फिरके से ताल्लुक रखने के बायस मैं आसमान पर जाऊंगी मैं फ़कत संजीदगी से ये सोचती थी कि ये एक टिकट है जब मैं 16 साल की हुई तो मुझे एहसास हुआ कि इसका मजहबी लगाव से कोई ताल्लुक नहीं मुझे ये हकीकत तस्लीम करना थी आईने में इस हकीकत का सामना करना था कि मैं एक गुनहकार हूँ मैं yes. एक गुनहकार oh, थी जी। मैं कामिल ना थी और मुझे एक राह की जरूरत थी जो मुझे आसमान तक ले जाएगी और वो राह यीशु मसीह की शख्सियत थी जिसने अपना खून सलीब पर मेरे फदिया के लिए दिया बस जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी वो नजात के मुफ्त तोहफे को कबूल करना था जिसका मतलब है कि मैं उसे खुदा का बेटा मानती हूँ और वो खुदा का बेटा है भी वो मुझे बाप से मुंसलिक करता है और यही नजात है और ये मेरे अमाल की वजह से नहीं है हम बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ज़िंदगी एक तराजू की तरह है हमें लगता है कि आसमान पर जाने के लिए ज़्यादा अच्छे काम करने चाहिए लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कोई भी इंसान अपने कायम करदा मैार पर आसमान पर नहीं जा सकता सिर्फ मसीह की कामिल कुर्बानी के मयार के सिवा बस मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए बदल गई और इस दुनिया के बारे में मेरा नज़रिया भी बदल गया और इसके लिए मैं शुक्र गुजार हूँ की सोलह साल की उम्र से मैं एक मुख्तलिफ जिंदगी गुजार रही हूँ और मैं बड़ी गैर कामिल इंसान हूँ और जहाँ तक मुमकिन हो मैं बाइबल को पढ़ने समझने और उस पर अमल करने की कोशिश करती हूँ जी हाँ और आप पांच बच्चों और तेईस की वाल है, बिल्कुल, क्या जी, ये तो मैं है? हूं। हमारे अपने बच्चे बीस से बत्तीस साल की उम्र के हैं और जो सबसे छोटे हैं वो दो कॉलेज में सीनियर हैं वो अपनी पढ़ाई खत्म करने के करीब है और सबके सब बच्चे सीधे रास्ते पर हैं वो खुदा के साथ चल रहे हैं वो शानदार बच्चे हैं मैं उनके लिए बेहद खुश हूं और हमारे गोद लिए हुए बच्चे भी बहुत अजीम हैं। वो सब ग्रेजुएट हो चुके हैं और अपनी तीस की दिहाई के आखिर में हैं। वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बस हमने 28 बच्चों को परवान चढ़ाया और मैं घर में सबसे बूढ़ी हूँ ये बहुत ही वलवला अंगेज है क्योंकि बहुत बरसों से वाले होना ये अजीम बात है और ये बड़ी शानदार बात है कि आप उनको अपनी तरबियत के मुताबिक बढ़ते हुए देखें और अब वो अपनी जिंदगी यही करते हुए गुजार रहे हैं और हम शुक्र गुजार ये बहुत शानदार है और एक सबका मुस्लिम होते हुए और एक बुनियाद परस्त पस मंजर रखते हुए मैं डटे रहने पर आपका जारी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप आज़ादी के लिए डटी हुई हैं आप ईमान पर डटी हुई हैं और ऐसा करने के लिए बहुत बहादुर की जरूरत होती है ब्राय करम हमें बताएं कि कांग्रेस की एक रुकन होते हुए रोजमर्रा की जिंदगी में आपका ईमान क्या किरदार अदा करता है जी हाँ मुकम्मल तौर पर क्योंकि ये दुनिया के बारे में मेरी सोच को तश्कील देता है और मैं मुकम्मल तौर पर खुद को आज़ाद महसूस करती हूँ क्योंकि खुदा ने मसीह को इसलिए जमीन पर भेजा वो इसीलिए आया ताकि सबको आज़ाद करे वो शख्सियात की तज़ीम नहीं करता वो किसी की तरफदारी नहीं करता वो चाहता है कि सब लोग नजात पाए और इसमें औरतें भी शामिल हैं वो बनी नो इंसान की बात करता है वो इसलिए मरा ताकि सब उसके पास आए हम सब इस तरह के ख्याल में जकड़े हुए हैं कि शायद आसमान पर जाने के मामले में रास्ता ना हो जैसा कि मैंने कहा कि लोग सोचते हैं हमें बुरे कामों से ज्यादा अच्छे काम करने होंगे जबकि ये सच नहीं है और मुख्तलिफ मजाहब में खुदा तक पहुँचने के मुख्तलिफ रास्ते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो दुरुस्त हैं हम सब लोगों की इज्जत करते हैं हम बर्दाश्त करते हैं खुदावन बहुत खुदावन नफीस हस्ती है वो नफीस हस्ती है और हमें अपने फैसले करने की इजाज़त देता है लेकिन खुदा मैार को बुलंद करता है वो नया मैार कायम करता है हम सब टूटे हुए हैं हम सब गुनहगार हैं लेकिन वो हर शख्स के लिए एक पेमाइश कायम करता है हम इस ज़िंदगी के मुकाबले में एक यकसर मुख्तफ ज़िंदगी गुजार सकते हैं अगर हम सुने कि वो क्या फरमाता है शानदार बात यह है कि उसने हमें एक किताब दी है और वो बाइबल कहलाती है और अगर आप पैदाइश के पहले बाप की पहली आयत से पढ़ें और पूरी किताब के आखिर तक जाएं तो आपको एक मोहब्बत की कहानी मिलती है इस मोहब्बत की कहानी में कि खुदा कैसे आपकी खस्ता हाली में आपको ढूंढता है उसने हमें खल किया लेकिन वो हमारी जिंदगी के आखिर तक हमारी तलाश करता है क्योंकि वो हमारे लिए है वो हमारे खिलाफ नहीं है वो हमारी तरफ है और वो हमारी मदद के लिए एक बड़ा काम करना चाहता है वो हमें हमारे झूठे ख्यालों से बचाना चाहता है उन फैसलों से जो हमारी तरक्की के लिए नहीं बल्कि हमारी नाकामी का बायस बनते हैं और एक बार हम उसे जान लें और उसमें शिफा और मामूरी हासिल करें तो फिर हमें लगता है कि हम खुदा के साथ तावन करें और दूसरे लोगों के लिए उसके इमदादी कामों का हिस्सा बने और मेरे और मेरे शोहर के साथ यही हुआ जब हमने लय पालक बच्चों को देखा तो हमारी दिल शिकनी हुई वो बड़ी मुश्किल हाल में थे और बस हमने खुद को चैलेंज दिया और अपने दिलों को खोला और अपने घरों को खोला और मुश्किल हाल का शिकार बच्चों को घर ले आए क्योंकि आपको इल्म है कि कलाम फरमाता है कि हकीकी और खालिस मजहब यही है कि बेवाओं और यतीमों की दर्द रसी की जाए क्योंकि कौन कौन जरूरतमंद है बेवाएं और यतीम और जरूरत के वक्त बेवाओं के करीब होना जरूरतमंद यतीम के करीब होना खुदा के दिल के करीब होना है और हमने ये कबूल किया हमें शायद मानी मिली हमने उन चीज़ों से बढ़कर हासिल किया जो हमने खुदा की नज़र की खुदा हमसे जो सलूक करता है वो शानदार है क्योंकि जब हम उसको कुछ देते हैं तो वो उससे बढ़कर हमें लौटाता है सच है आपको पता है कि मैं नाजायज बर्ताव की सूरत हाल से जान बचाने की खातर फरार होकर अमेरिका आई थी जिस्मानी और कलामी हर तरह से बदसलूकी का शिकार और एक मुस्लिम खातून की से मेरा ख्याल था कि अमेरिका एक आजाद मुल्क है मैंने अमेरिका में ये मसीह को कबूल किया बस मेरे दिल में अमेरिका का एक बड़ा मकाम है हम बहुत खुश हैं कि आपने आने का फैसला किया क्योंकि हाँ। आप वहीं पर वान चढ़ी जहाँ आपको बोया गया आपने एक शानदार जिंदगी गुजारी है और आपने आज़ादी का तजर्बा भी किया क्योंकि छोटे नज़रियात पर मबनी अकायद से बहुत दुख और तकलीफ़ मिलती है और यह हकीक़त है और एक ऐसे मजहब से जो सच्चा ना हो अगर आपके नजरियात अच्छे हों तो नतीजा अच्छा निकलता है और अगर आपके ख्याल बुरे हों तो बुरा नतीजा निकलता है दोनों में फर्क है ये लोगों को आजादी भी दिला सकते हैं और उनको पस्त भी कर सकते हैं और आप नागवार सलूक और तशद बर्दाश्त कर रही थी किसी भी औरत के साथ कभी भी बदसलूकी और तशद नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि खुदा ने इसके लिए उसे खल्क नहीं किया उसने आपको मोहब्बत पाने और करने का बर्तन बनाया उसने बच्चों को मोहब्बत का बर्तन बनने के लिए खल किया उसने मर्दों को मोहब्बत पाने और मोहब्बत करने का जर्फ बनाया। खुदा चाहता है कि मर्द अपनी बीवी और और बच्चों का मुहाफिज बने और उनका मुहैया करने वाला हो इसलिए उसने औरत को खल किया कि वो बच्चों की परवरिश करे और खानदान को खूबसूरत बनाए ताकि हम एक खूबसूरत मुआरे को कायम कर सकें ये खुदा का औरत मर्द और बच्चों के साथ एक अहद है यह किसी भी मरबूत माशरत को खुदा के लिए कायम करने की बुनियादी अकाई है जिंदगी शानदार हो सकती है ये खूबसूरत भी हो सकती है खास तौर पर जब हम उस मालिक के दस्तूर के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें जिसने हमें खल्क किया जी जी हाँ यह सच है मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अमेरिका के लिए आज़ादी के पैगाम को मुकम्मल करने के लिए किस चीज़ की जरूरत है क्या आप समझती हैं कि अमेरिका की आज़ादी खतरे में है जी मैं बहुत उम्मीद हूँ क्योंकि अमरीकी इनकलाब के आगाज़ ही से हमारे पास सबसे मुनफरद बुनियाद मुसवदा है जो किसी मुल्क के पास हो सकता है क्योंकि हमारी आज़ादी के ऐलान की बुनियाद इस बात पर है कि हम ईमान रखते हैं कि कोई खालिक मौजूद है हमारे मुसदे के मुताबिक खुदा ही खालिक है हम कहते हैं कि खालिद ने बनी नसान को बराबर खलक़ किया ये बहुत अमीक है ये इंसानी तारीख के साथ हायल है बनी इंसान ऐसा नहीं सोचते लेकिन खुदा ऐसा सोचता है बस खुदा इस तरह देखता है कि उसने हमें बराबर बनाया है क्या इसका मतलब ये है कि हम सब के पास एक जैसी काबिलियत है नहीं क्या इसका मतलब है कि हम सब के पास एक जैसे पैसे हैं? नहीं लेकिन उसकी नजर में हमारी कदर और कीमत एक जैसी है यही कुंजी है क्योंकि उसने हम सब को, चाहे हम हम चाहे सोचते हों हैं या नहीं हम सब कमजोरियां रखते हैं लेकिन उसने अपनी सूरत और छवि पर खल किया यही हमारी कदर है हमारी कीमत है बस हमारी दस्तावेज कहती है कि हमें हकूक दिए गए हैं, ना किसी हकूमत को ना सियासत को हमारे खालिक ने हमें ना काबिल इंतकाल हकूक दे रखे हैं वो हकूक जो हकूमत हमें ना दे सकती है ना हमसे ले सकती है और पहला हक जिंदगी रखने का है यानी अगर आपके पास जिंदा रहने का हक नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं बस उसने हमें जिंदा रहने का हक दिया और दूसरा हक उसने हमें आज़ादी का दिया आजादी का हक जिंदा रहने का हक हाँ और आज़ादी का हक हाँ। फिर उसने हमें अपनी मेहनत का फल पाने का हक हाँ दिया जो कि शाद मानी की तलाश है जिसका मतलब है कि हम काम कर सकते हैं और उसका अजर हासिल कर सकते हैं। जरा इसके बारे में सोचे क्या नज़रिया है खालिक ने मुझे खल किया आपको और इस प्रोग्राम को देखने वालों को भी और हमें मुफ्त हाइफ दिए हैं, उसने जिंदा रहने का हक हाँ, आजादी का हक हाँ, काम करने और उसका अजर पाने का हक हाँ, और इसकी जमानत दी है और हकूमत बनने की वाहिद वजह ये बहुत अहम है हकूमत बनने की वजह ये है कि वो उन हकूक की हिफाजत करे जो खुदा ने हमें दिए हैं आप आई एस आई एस की हाल के बारे में क्या सोचती हैं? क्या आप समझती हैं कि ये अमेरिका की आजादी के लिए खतरा है जी हाँ वाजह तौर पर इस्लामिक स्टेट आईसीएस वो खुद को आईसीएस कहते हैं इस्लामिक स्टेट इराक और शाम में इस्लामिक स्टेट फिर जी. वो खुद को आईसेल कहते हैं जो की बहरे रोम में इस्लामिक स्टेट है ये ज्यादा बड़ा रकबा है फिर उन्होंने अपना नाम इस्लामिक स्टेट में तब्दील कर लिया ये बहुत अहम है कि लोग इसे समझते हैं क्योंकि इस्लामिक स्टेट पूरी दुनिया में और हर इंसान पर हकूमत करने का ख्वाब देख रही है ये एक नाकबले कबूल ख्याल है जो भी कोई रख सकता हो हम ईमान रखते हैं कि लोगों को अमेरिका में आजादी हो जैसा वो चाहें मैं एक मसीही हूं और मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा पैगाम है लेकिन किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता इसके मुकाबले में आई सचमुच अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि वो लोगों के सर काटें और उनकी खाती और बच्चों को जिंदा दरगोर करें, जैसा उन्होंने अगस्त के माह में किया क्योंकि उनका ईमान है कि जन्नत में सिर्फ शहादत पाकर या इस्लाम को फैलाते हुए मर कर ही जाया जा सकता है लिहाजा लोग इसे समझ नहीं सकते ये उनके एतमाद का निजाम है वो भी नहीं जो मैं कह रही हूँ या सदर ओबामा कह रहे हैं, बल्कि वो अहम है जो दहशत गर्द कहते हैं और दहशत गर्द दे आपको है। बताते हैं कि ये पूरी दुनिया में सब पर इस्लामी शरीयत नाफिज करने का उनका नुक्ता नज़र है और वो इसके लिए मौत की हद तक जाते हैं जहाँ वो आपका सर तक काट सकते हैं वो अपने नजरिए को कायम करने के लिए हर मुमकिन काम करने के लिए तैयार हैं। क्या हो सकता है आपको पता है कि अगर कोई किसी आज़ाद ममलिकत में और मैं एक आजाद मुल्क में हूँ लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि आज़ादी क्या होती है और मैं उनमें से एक थी आप उनको कौन सा पैगाम किस किस्म का पैगाम देना चाहेंगी जी इससे मेरा दिल टूटता है मैं सबसे पहले उनको बताऊंगी कि आपसे छूट कहा गया है अगर आपको कहा गया कि शरीयत सच्ची है या ये सही है, तो ये बिल्कुल गलत है सच नहीं है आपको दबाव में आने की जरूरत नहीं और छोटे बच्चों को भी दबाव में आने की जरूरत नहीं एक बेहतर राह भी है क्या खुदा एक नहीं जी हाँ एक खुदा है और वो ऐसा खुदा है जो आपसे प्यार करता है और आपको उसके लिए मरने की जरूरत नहीं बल्कि वो आपके लिए मुआ ये कैसा सती ख्याल है कि हमें खुदा के लिए मरने की जरूरत है जबकि खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हारे लिए मुआ तो वो हमारी तरफ है वो हमें चाहता है वो हमें अपने मुताबिक ढालना चाहता है बस मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि हार ना माने ना ही मायूस हो क्योंकि बाइबल का खुदा मौजूद है पैदाइश से मुकाशफा तक जिसके पास आपकी जिंदगी के लिए शानदार आलिशान और बेनजीर मनसूबा है हम सब गुनहगार हैं कलाम हमें ये बताता है कि सब खुदा के जलाल से महरूम हो गए लेकिन खुश खबरी ये है कि हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं एक भी रास्तबाज नहीं एक भी यहाँ तक के मोहम्मद भी नहीं कोई भी रास्तबाज नहीं सिर्फ खुदा ही रास्तबाज है बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है कि पा खुदा ने तमाम इंसानों को अपने लिए रिहाई दिलाई है और मैं लोगों की हौसला अफजाई करूंगी कि कलाम में मुकदस में यहुना की अंजील को देखें यहुना की अंजील को पढ़ें पहले बाप से आगाज़ करें और अगर आप आगे तीसरे बाप और उसकी सोलवी आयत को पढ़ें क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी की उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए और ये हमारा मुस्तकबिल है ये हमारी उम्मीद है अगर हम उसके पास आएँ और उसे कबूल करें तो हम खुदा में वो जिंदगी पाएंगे जो अब्दुल आबाद होगी आप किसी को कत्ल करके अपनी जिंदगी नहीं हासिल कर सकते और आप जन्नत में जाएंगे और फिर आपको बेहतर हुरें मिलेंगी हु मिलेंगी ये झूठ है ये एक जहनवी गड़ा है जिस राह से आप आसमान में दाखिल होंगे वो एक मुफ्त तोहफा है जो खुदा ने बरिनो इंसान को दिया है आ, और मैं जानती हूँ आपको बहुत मुश्किल आती हैं आप जेरेब है क्योंकि आप डट जाती हैं बहुत ज्यादा मैं जानती हूँ गुजश्ता चंद हफ्तों में वो आप पर हम होते नहीं होंगे आप बिल्कुल का, सही आप जी। का मुकाबला कैसे क्योंकि कलाम है? में यह वाज पर लिखा है कि हमें दहशत की रू नहीं दी गई, हमें मोहब्बत रखनी होगी शाद मान रहना होगा इतमान रखना होगा और ये बात समझनी होगी क्योंकि खुदावन के पास हकीकी तौर पर आना बड़ी अजीम बात है वो हमें अपने कलाम में बताता है की यकीनी तौर पर हमें वो इतमान देगा जो हमारी समझ से बाहर है इसका ये मतलब नहीं कि हमें मुश्किलात पेश नहीं आएंगी इस दुनिया में आप पर मुश्किलात आएंगी और खुदा ने ये वादा किया है आपको मुश्किलें पेश आएंगी क्यों क्योंकि ये एक गिरी हुई दुनिया है जब खुदा ने इस दुनिया को खल किया तो उसने कामिल दुनिया को खल किया मुश्किल ये है बनी गुनाह किया हमने गुनाह किया और खुदा इतना भला है कि उसने हमारी मदद की कि गुनाह से निकले क्या मुश्किलें आएंगी जी क्या हमें मुसीबतें पेश आएंगी जी हाँ लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए क्योंकि उसने कहा है कि मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि हम इस जमीन पर बस कुछ ही मुद्दत के लिए मौजूद हैं। हम मुरझाने वाले फूल की तरह हैं, हम धुएं के बगोले की तरह हैं और अपनी इस कलील जिंदगी के लिए वो हमें इस जमीन पर कसरत की जिंदगी दे सकता है एक अजीम जिंदगी वो जिंदगी जहाँ हम उसे जानते हो जहाँ हम उसकी और दूसरों की ख़िदमत कर सकते हैं लेकिन इससे बड़ा तोहफा ये है कि हम इस जानने को जानते हैं कि अब्दियत का मतलब ये है कि इस वक्त का कभी आखिर ना होगा हम उसके साथ आसमान में रह सकते हैं अपने अमाल के सबब से नहीं बल्कि वो काम जो उसने किए हैं हमें सिर्फ इस तोहफे को कबूल करना है क्या आप इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाले खुदा के बारे में सोच सकते हैं क्या इससे बेहतर मंसूबे के बारे में सोच सकते हैं ये सब के लिए है एक के लिए नहीं खुदा किसी का तरफ़दार नहीं जो उसने एक के लिए किया वो सबके लिए करेगा बस वो ख़ावतीन जो मुश्किल का शिकार हैं वो ये जान लें कि एक राह है और वो खुदा के कामों को जानने से है जो उसने आपके लिए किए हैं शानदार मैं अपना मेहमान बनने के लिए और इस शानदार इंटरव्यू के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका मुनादी करते हुए सुना और आपने मुझे तहरीक बख्शी और हमें भी बताएं आपका ताल्लुक कहाँ से है खुदा ने आपकी जिंदगी में क्या किया और आप कहाँ जा रही हैं खुदा ने मेरी जिंदगी में मुहिब काम किए और ये सुनना कि मैंने आपको तहरीक दी है मेरी तहरीक का बायस है क्योंकि आप एक हैरत अंगेज खातून हैं और आपने मेरे दिल को छुआ है कि जब मैं आपकी वीडियोस देखती थी तो मैं बहुत मुतासर होती थी और जब मैं बैठकर आपकी वीडियोस देखती मैं बाजुकात रोती थी और बाजुकात में इस बात से मुतासर होती थी कि कैसे खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया बल्कि आपकी जिंदगी के जरिए काम किया और ये तब्दीली जो हुई हैरत अंगेज है जी हाँ जी हाँ ये मेरे मजनूाना ख्वाबों की तरह है मैं सोच भी नहीं सकती थी कि टीवी की अपनी पसंदीदा शख्सियत के साथ बैठूंगी ओ, <laughs> नौजवान और पुरजोश पुर <laughs> आपको पता है मेरा मतलब <laughs> वो मैं <हूं। laughs> हम यीशु के मुतालिक बात जी हाँ, कर रहे हैं यीशु के बारे में बात कर क्या? रहे हैं क्या क्या खुदा के पास खुदा के पास हिस्से उसका मजाक मजाज बहुत अच्छा है और ये दीवानगी की, की हद हाँ तक है और जब मेरा आपसे हुआ आप तुर्की में मशहूर हैं लोग आपको प्यार करते हो मेरे खुदा हाँ। है, मेरी वालदा आपको प्यार करती है और इन तमाम सालों में खुदा ने आपको कैसे इस्तेमाल किया हाँ। मुझे भी किया और एक कहानी सुने कि जब मैं यंग एंड रेस्टलेस के सेट पर थी मैं एक अदाकार को खुदा के करीब लाई जी हाँ मेरा मतलब है खुदा काम करता है हमें इसके लिए सिर्फ चर्च में रहने की जरूरत नहीं ताकि खुदा हरकत में आए और शानदार चीजें में लाए जी हाँ आप उन खातन के बारे में क्या कहेंगी जो नाजायज़ बर्ताव का शिकार हों और महसूस करती हूँ कि निकलने की कोई राह नहीं उनके हालात अमेरिका में रहने वाली ख़वात से मुख्तलिफ हैं आप जानती हैं कि अमेरिका में बहुत सी खवातियाँ और बच्चों के साथ ज़्यादती होती है लेकिन दुनिया के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहाँ रहने वाली ख़्वीन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती और वो ये प्रोग्राम देख रही हैं आप उनको क्या बताएंगी मैं कहूँगी कि मैं तस्वर भी नहीं कर सकती उनकी सूरत हाल का मैं अपनी तमाम जिंदगी अमरीका में रही और मैंने कई सफर किए लेकिन मैं ऐसे ममालिक में कभी भी नहीं रही जहां पर खातिन के साथ बदसलूकी होती है आम, मैं उनसे कहूँगी एक नजात दहिंदा है यसु मसीह जो उनसे प्यार करता है अपने सारे दिल से वो मुआ, उनके लिए उसने अपना खून बहाया और वो खून उन्हें साफ करेगा उनको शिफा देगा वो अंधेरे से उन्हें उठाकर निकाल लाएगा खुदा के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है इशक खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ खुदा ना पहुँच सकता हो वो हमें हर जगह मिलेगा वो हमारे पास आएगा चाहे गंदगी हो या हमसे बदबू आती हो हमारे इर्द गिर्द कूड़ा करकट हो वो हमारे पास आएगा और कहेगा तुम खूबसूरत हो तुम मेरी बेटी हो उठो खड़ी हो जाओ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए अजीम मंसूबे हैं यर्मिया में मैं तुम्हारे हक में अपने ख्याल को जानता हूँ खुदा फरमाता है सलामती के बुराई के नहीं और आने वाले वक्त में उम्मीद रखो और जब तुम मुझे ढूंढोगे और पूरे दिल से मेरे तालिब होगे, तब तुम मुझे पालोगे ये हर एक उस औरत के लिए वादा है जो वहां पर है मैं ये नहीं जान सकती की मैं उनकी मुश्किल को जानती हूँ मैं अपनी मुश्किलात और तारीखी से गुजर रही हूँ मुझे इल्म है कि दूसरे मुमालिक में ज्यादा मुश्किल है लेकिन खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं अगर आप मुकम्मल शाद मान है आप बहुत खुश हैं मेरा मतलब है की लोग ख्याल भी नहीं कर सकते कि हम किन मुश्किल से गुजरती है क्यूँकी बजहिर सब ठीक है जी वो नहीं जी, जानना हाँ। चाहते की आप किस तारीख से गुजरी है और फिर जिंदगी के एक मुकाम पर आप मरना चाहती थी जी हाँ आप आजादी की कॉन्फ्रेंसों से ये तब्दीली चाहती थी जी हाँ हम फ्रीडम कॉन्फ्रेंसिस में यही हासिल करना चाहते हैं हम चाहते हैं की खातन इस कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो जाए हम चाहे हैं कि वो तारीखी से निकलकर मसीह के नूर में आ जाएं और बंधनों और जंजीरों से न जाए हाँ। हाँ। पूछना चाहती हूँ हो सकता है कि कोई इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहा हो और कह रहा हो कि जिंदगी जीने के लायक नहीं और वह शख्स मायूस और खुदकुशी पर आमादा है आप उस शख्स को क्या बताना चाहिए मैं बताऊँगी ये झूठ है ये छूट है ये जहनवी घड़े से छूट है क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी है हर एक की जिंदगी के मंसूबे के लिए खुदा का हाथ है जिसने okay. आपकी माँ की खिलवत गां में जाकर उसके रहम में जाकर आपको खल किया एक मकसद के लिए और फरमाता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम मेरे चुने हुए हो मुझे खुद के करीब रहने दो वो क्यों चाहेगा कि आप इतने बदनसीब होकर मरे ये झूठ है जब शैतान कहता है कि तुम किसी चीज के लायक नहीं हो तुम्हें मर जाना चाहिए खत्म कर दो ये झूठ है ये okay. जिंदगी नहीं है ये है और खुदा सिर्फ ये नहीं चाहता कि हम कसरत की जिंदगी पाएं बल्कि उस मकसद के लिए जिसके लिए उसने हमें बुलाया है बस मैं ये कहूंगी कि अपना सर उठाएं आपका नजात दहिंदा आपको उठाने के लिए खड़ा है और वो खुशी देखा जो बयान से बाहर है जबरदस्त क्या आप इस कैमरे की तरफ देखेंगी और उनसे बात करें और उनके लिए दुआ करें और उनकी रहनुमाई करें आप जानते हैं ये मुश्किल नहीं okay. आप इसे मुश्किल बना देते हैं जब सोचते हैं कि हम करेंगे लेकिन काम हो चुका है जंग जीती जा चुकी है आपकी जिंदगी चुनी गई है और वो बर्रा की किताबे हयात में है जब आप कहते हैं यस्सु मेरे दिल के अंदर आ और मेरे गुनाहों को मुआफ कर तो वो आपका नाम किताब में लिखता है और कहता है खुश आमदीद मैं तुझे प्यार करता हूँ मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहूंगी कि आप उसके लिए बेश कदर हैं अगर आप इस जमीन पर आखिरी इंसान भी होते यसु आपके लिए अपनी जान देता आपके लिए क्योंकि वो आपसे प्यार करता है मैं आपसे कहना चाहूंगी आप बहुत खूबसूरत हैं आप वाकई ही खूबसूरत हैं क्योंकि खूबसूरती ये नहीं बल्कि ये है और आप खूबसूरत हैं आप बेशमत हैं मैं आपसे प्यार करती हूँ और यसु कहीं इससे ज्यादा बस मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए आपके लिए दुआ करना चाहूंगी खुदा की मोहब्बत आप पर जाहिर करूंगी और वो आपको बरकत देगा और आप अपने आने और जाने में उसके मकबूल नज़र ठहरेंगे और हर लम्हा अपनी जिंदगी में अपने इर्द गिर्द आप यसू की मोहब्बत को पाएंगे इतना तारीख कुछ भी नहीं इतना कुछ भी खोया नहीं कोई गुनाह इतना बड़ा नहीं उसके लिए कि वो आप तक ना पहुंच सके और कहे मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों को देती है वो आपसे बहुत प्यार करता है शानदार बस आपने देखा और सुना और इन इनहरत खावीन और उनकी कहानी और पैगाम पर दिल लगाया और अब नजात पाने की आपकी बारी है ये वक्त आपके लिए है आपने मेरा पैगाम सुना आपने ब्रेंडा का पैगाम सुना और आपने मिशेल का पैगाम सुना और उनका पैगाम आजादी है बस हम आजादी के लिए डटे हैं और आजादी के लिए दुआ गो है और अगर आप आजादी पाना चाहते हैं, अगर आपको जज्बाती शिफा चाहिए अगर आपका कोई बंधन है आप नाजायज बर्ताव का शिकार हैं हो सकता है कि आप ज्यादा करने वाले हों या काल या इज्जत लूटने वाले हो और आपको अपनी जिंदगी में आजादी की जरूरत हो बस इस प्रोग्राम को देखने के बाद मैं आपसे कहती कि रुल कुछ के लिए अपने दिलों को खोलें और और कहें खुदावन आ और मेरे दिल में रह मेरे दिल को अपना घर बना ले और मैं चाहता या चाहती हूँ तू मेरी जिंदगी का मरकज बना और मैं चाहती हूँ मेरे दिल के तमाम बंधन तोड़ दे मैं इन औरतों की तरह आजादी पाना चाहती हूँ मैं आजादी पाना चाहती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में शायद महानी चाहता हूँ बस एक फ़ोन पर कॉल करने की तरह अपने दिलों को खोले और बात करें आप खुदा के साथ बातें कर सकते हैं अपनी मादरी जुबान में और उसको बताएं मुझे आज़ाद कर फिर आप उसे बताएं उसे कबूल करें उसकी नजात बख्श क़ुत को कबूल करें क्योंकि वो आपके लिए मुहैया की गई है और ये मुफ्त है क्योंकि यसु आपसे गैर मशरूत मोहब्बत करता है वो आपसे प्यार करता है खुदाप आपको बरकत दे